जब 2011 में हमें मिला तो इसकी बजट तकरीबन मैं नंबर शायद बोझो 70 करोड़ होती थी। इस साल अभी तक, इसलिए कि अभी डॉक्टर नदीम बैठे हैं, हम और इनको काम देने बढ़ाएं तो और बजट बढ़ेगी, इस वक्त तक जो हमने बजट मंजूर की है वो 580 करोड़, यानी 5.1 बिलियन सिर्फ एक इदारे की है। और इस इदारे में क्या किया है, कराची के अंदर जो NICVD जो 2011 में हमें मिला था, इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं, बर सगीर में नहीं, एशिया में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी एक जगह है जहां पे मुफ्त में सबसे ज्यादा एक छत के नीचे प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज होती है। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं ये। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने चेयरमैन साहब हम आपको तकलीफ देंगे, दुनिया में जो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे एंजियोप्लास्टीज एक जगह पे होंगी वो भी आपके सूबे में होगा। सखर में जो NICVD का सेटेलाइट खुल रहा है वो फिर कराची के बाद दूसरे नंबर पे होगा। इसके अलावा लाड़काना, टंडो मोहम्मद खान और हैदराबाद में NICVD के सेटेलाइट खुल चुके हैं जो कि मुफ्त इलाज मुहैया कर रहे हैं, जिसको भी जैसे बताया आपको डॉक्टर नदीम ने शुरू में ताकि बुधाई बाद कैसे सूर थे दिल में, तो यकदम इन्हें अस्पताल में हलिया जो मुफ्त में इलाज पीजो, इंशाल्लाह ताला जिंदगी मौत देने वालों रब ताला आए और असाजा डॉक्टर पूरी कोशिश कंदा तो तहानी जान बचाई वे। यो दुर्गो मैं आपको सिर्फ दिल के अस्पताल के बारे में बता रहा हूं, कैंसर एक मौजी मर्ज आए, उस कैंसर के लिए हमारे पास वो फैसिलिटीज मौजूद हैं पब्लिक सेक्टर में। लोग बहुत बातें करते हैं, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता, यहां कराची में हमारे पास एक कहलाती है जो लेजर टेक्नोलॉजी से, मुझे मैं डॉक्टर हूं नहीं, मुझे पता नहीं टेक्नोलॉजी का ज्यादा, साइबर नाइफ का इलाज होता है। और मैं पूरी दुनिया में, और मैं ये आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि पब्लिक सेक्टर में यानी सरकारी इदारों में ये इलाज सिर्फ सिंध हुकूमत JPMC में करा रही है, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं फिर मैं आपको।